और लिखने के साथ साथ तुम अभी अभी जो हरियाणा में तुम्हारे अपने हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके ऊपर भी लगातार बोल रही हो, कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, उसके बारे में कुछ बताओ। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि तुम ये किताब लेके भी आज कभी अजमेर जा रही हो तो कभी चंडीगढ़ जा रही हो, तो उसमें मतलब मैं तो क्या सवाल पूछूंगा, मैं तो तुम्हारी कश्ती में सवार एक आदमी हूँ, लेकिन जो लोग जिनके लिए किताब लिखी गई है वो तुम्हारी सहेलियां है, तुमसे क्या कहती है इस बारे में, या लोग क्या किस तरह की बात करते हैं? अभी तक जहां जहां मैं कॉलेजेस में गई हूँ, जैसे मैं अभी लाखन मांझरा कॉलेज मेरे गांव के पास, लड़कियों का कॉलेज है उनके पास थी, तो उन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी अभी, लेकिन मैं उनको किताब के बारे में अपने थोड़े जीवन के बारे में बताती हूँ। तो मेरे को बस, मैं जब खत्म करती हूँ स्पीच तो मुझे वो हग ही नहीं करते, वो एकदम मैसे खींच लेती है और बहुत प्यार करती है, और वो वहां से मुझे लगता है कि वो कुछ हो रहा है, कुछ बीज कहीं शायद। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, मैं पिछली आपकी बात नहीं, पिछली बार जब मैं अपने ये बुक फेयर में जब किताब लॉन्च की आई थी, तो मैं अपनी, मेरी बहन है मौसी की बेटी, उसकी अभी शादी हुई थी, तभी मैं आई थी, दिसंबर में शादी हुई थी, जनवरी में उसके घर गई थी मैं उसको, उससे मिलने। तो उनके घर में उसके जेठ को दूसरी लड़की हुई थी, तो मैंने बाहर गाड़ी पार्क की और बाहर कुछ औरतें उसको ऐसे बोली थी, कोई बात नहीं हो जाता है ऐसे, ये तो किस्मत की बात है, इसमें इस तरह कर सकते हैं। तो एक सेलिब्रेशन का जो माहौल होना चाहिए, बच्चा घर में आया है, वो एक जैसे मातम का माहौल था। वो लड़की भी जिसको दूसरी लड़की हुई थी, वो भी सी पड़ी हुई थी, और कोई जैसे हमारे यहाँ जब लड़का होता है तो जो केयर करने आता है उसको गिफ्ट दिए जाते हैं, जब ज्यादातर परिवारों में ऐसा, तो लड़की जब होती है तो वो गिफ्ट कम मिलते हैं, तो उसको कोई संभालने ऐसे कुछ नहीं आया हुआ था, वो अकेली थी। तो मैंने जाके उनको ये लेक्चर देना मैं नहीं देती हूँ कि तुम ऐसे क्यों हो, ऐसे हो जाओ, मैं बस वहां बैठी। तभी तभी मेरी किताब आई थी, तो उस दिन मेरे अखबार में नाम आया हुआ था, तो उन्होंने वो अखबार मैं दिखाया, मैंने बताया, उन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ रहती हो, मैंने कहा लंदन में रहती हूँ, क्या करती हो, मैंने बताया ऐसे ऐसे काम करती हूँ। फिर उन्होंने पूछा शादी हो गई, हाँ कैसी हुई, लव मैरिज अरेंज मैरिज, मैंने कहा लव मैरिज। तो मैं सिर्फ कॉन्वर्सेशन कर रही थी, कहीं उसकी माँ को, मैं मुझे लगा कि कहीं उनको लगा कि ये भी तो लड़की है, ये ड्राइव करके आई है या बैठी हुई है, नौकरी भी करती है, अखबार में भी नाम आया हुआ है। तो मुझे कहीं लगा कि उसकी माँ ने मेरा बहुत तेज से ऐसे हाथ पकड़ा, और मैंने उसकी बेटी को हाथ में लेके खिला रही थी, तो मुझे लगा था कि मैं शायद उनको जाके, मैं उनको हथौड़ा मार के उसको नहीं ठीक कर सकती कि तुम खुश क्यों नहीं हो, तुम वो करो, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उस औरत को लग रहा है कि ऐसा उसको कहीं खुशी कहीं बीज के ऐसा इतना दुख होने की जरूरत नहीं है। तो भाई हम बीज कहीं बो सकते हैं, हम पता नहीं कितना मुझे, लेकिन वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं वैसा, जैसे रमोना से मैं मिली या कोई बैकपैकर वो लड़की से मिली, मैं उसकी मैं शेयर करूंगी, तो वो कहीं जैसे काटा से मिली, तो वो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर वो बीज रह जाता है, फिर वो धीरे धीरे वो ग्रो होता है, फिर आपकी वो लाइफ शेप करता है। सो दिस इज व्हाट आई एम फीलिंग जब मैं और कॉलेजेस में लड़कियों के बीच जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं मैं प्लांट कर रही हूँ उसको, देन दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। बिल्कुल कर रही हो। मैं यहीं पे, मेरी तरफ से जो मुझे पूछना है मैं यहाँ रुकता हूँ। मैंने जितने भी सवाल पूछे, मैं अनुराधा से क्या कुछ निकल बात कर पाया या कुछ सही चीज बोल पाया नहीं बोल पाया, वो शायद मेरी ये रही होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सवाल पूछने का आदी नहीं रहा हूँ पिछले कई सालों में। मैं इस तरफ कभी बैठा नहीं हूँ, और मुझे इस तरफ बैठे हुए आदमी की मुश्किल समझ में आई पहली बार। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने जो भी कहा जो भी नहीं कहा, मैं ऐसी कई चीजें हैं जो मैं खुद इस किताब में इतनी ज्यादा एंडोर्स करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि किताब आप खुद पढ़े और आप खुद अपनी राय बनाए, बजाय इसके कि मैं आपको इसके बारे में और कुछ कुछ बताऊँ। ये किताब बहुत जरूरी किताब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।